नमस्कार फ्रेंड्स, जैसा कि अभी तक आपने देखा है, हम एमएस वर्ड को तकरीबन तकरीबन आधा कवर कर चुके हैं, लेकिन आपका कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। कोई कमेंट करके नहीं बताया आपने आपको ये कैसे लगे लेक्चर्स, ताकि अगर कुछ खराब लग रहा है या ठीक से क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है तो हम इसमें और ज़्यादा इम्प्रूव करें। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ आज हम शुरू करते हैं इंसर्ट टैब के अंदर और शेप के ऊपर। इसमें ये मेनू बार होता है, इसमें आप क्लिक करोगे शेप पे तो ये जैसा कि दिख रहा होगा आपको, ये काफ़ी टाइप की शेप इसमें बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई होती है, और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कोई भी शेप उठा के और हम डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लेते हैं एक रेक्टेंगुलर। अभी आपने देखा, जैसे ही शेप को क्रिएट किया, ये फॉर्मेट टैब अलग से आ गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो फॉर्मेट टैब नहीं है, और इसको सेलेक्ट किया रेक्टेंगुलर को तो फॉर्मेट आ गया। यानी इसकी जो भी एडिटिंग होगी वो इस फॉर्मेट टैब के अंदर, ये जितने मेनू बार दिख रहे हैं इसी से होनी है। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो और नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ से हमने इंसर्ट पे क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद और शेप के ऊपर क्लिक किया। शेप में हमने एक रेक्टेंगुलर ले लिया। ठीक है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसका ये कलर होता है। अभी हमारे को फर्स्ट में इसका कलर चेंज करना है, तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मेनू होते हैं जिसमें हम इसको किसी भी शेप को इस कलर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये कलर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हम अपने मनपसंद का कलर चूज कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट टैब के अंदर शेप फिल में ऑप्शन है, ये इतने सारे जो कलर दिखाई दे रहे हैं आपको, इस कलर में से कोई भी आप चूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने ये चूज कर लिया। अभी इस कलर को दोबारा चेंज करना है तो इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट करना, उसके बाद शेप फिल और मोर फिल कलर, ये इतने सारे कलर हैं, या स्टैंडर्ड आप चेक करोगे तो ये मिल जाएंगे। आप कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हो भी आपको ये कलर चाहिए, और ओके कर देना। ठीक है, उसके बाद इसमें हम पिक्चर भी फिल कर सकते हैं, यानी ये जो रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा है इसमें हम पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। कैसे, अभी देखते हैं। शेप फिल में गए, पिक्चर पे क्लिक किया, जैसे मैंने ये पिक्चर उठा ली है कोई, और इंसर्ट पे क्लिक, ये इस रेक्टेंगुलर के अंदर फिट हो गई है। ठीक है, और फिर गए हम शेप फिल, और ग्रेडियंट में चाहिए हमारे को कलर, तो हम इस टाइप से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर शेप फिल, ग्रेडियंट, मोर ग्रेडियंट चाहिए तो आप यहाँ से ये जो प्री सेट कलर्स हैं इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको लाइव दिखाते हैं, ये ऐसे चेंज होगा, आप करके देखना प्रैक्टिस। इस टाइप से ये चेंज हो रहा है। ठीक है, इस कलर की जगह हम दूसरा कलर भी ले सकते हैं, जैसे ये मैंने येलो कलर ले लिया तो यहाँ पे ये चेंज हो रहा है। इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है तो यहाँ से हम कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, यानी ये हमने चूज़ कर लिया। उसके बाद हम इसमें ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करेंगे, और इस टाइप का इफेक्ट भी हम रेक्टेंगुलर हो या कोई शेप हो किसी भी टाइप की उसको दे सकते हैं। ठीक है,
और लास्ट है इसका टेक्सचर। इसको टेक्सचर इफेक्ट देने के लिए किसी शेप को हम किसी पे भी क्लिक करके और ऐसा इफेक्ट दे सकते हैं। मोर टेक्सचर के अंदर आप इसके अंदर कर सकते हैं। पैटर्न फिल का ऑप्शन भी है इसमें, यहाँ पे इस टाइप का पैटर्न हमारे को चाहिए, किस टाइप का, साथ में कलर भी चाहिए, येलो कलर ले लिया, इस टाइप का टेक्सचर चाहिए, दिखाई दे रहा होगा सही से, वाइट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में हमारे को ये चाहिए, दूसरा कलर, इस टाइप की लाइनिंग, ये सब चीज़ें हम अपने शेप के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो रेक्टेंगुलर है या कोई भी शेप है उसकी जो बॉर्डर लाइन है उसका कलर करना है, तो उसी शेप फिल के नीचे ऑप्शन है शेप आउटलाइन, इसमें हम वही सेम चीज़ें हैं, थोड़ा सा चेंज है, हम कलर दे सकते हैं किसी भी लाइन को, उसकी वेट जो है यानी कितनी मोटाई है उस लाइन की वो हम दे सकते हैं। यहाँ से हम मैनुअली भी लिख सकते हैं इसको, 6 पॉइंट की जगह अगर हमारे को ज़्यादा चाहिए तो जितना मर्जी उतना कर सकते हैं। इस टाइप की लाइनिंग चाहिए, ये डैश टाइप चाहिए, ये सारी चीज़ें आप शेप में कर पाओगे, फ्लैट में, स्केयर में, राउंड में। ठीक है, अच्छा अभी बात आई शेप इफेक्ट की, इसमें प्री सेट के अंदर ये काफ़ी सारे प्री सेट हैं, आप इसमें 3D वगैरह ये कुछ बना सकते हो, शेडो इफेक्ट दे सकती हो, यहाँ से इसका शेडो इफेक्ट दे देंगे, और नेक्स्ट रिफ्लेक्शन भी दे सकते हो आप इसका, ये नीचे जो ये आ रहा है ना ऑप्शन, ये रिफ्लेक्शन है इसका। ठीक है, आप इस तरह से कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हो। उसके बाद ग्लो, ग्लो हमारे को जितना चाहिए उसके हिसाब से परसेंटेज किसी भी कलर के अंदर, मैम इसका ये जो दिख रहा है बाहर ये ग्लो है, हम ग्लो भी दे सकते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, सॉफ्ट एज कर सकते हैं हम इसकी, यानी जो साइड से हल्का सा धुंधला सा हो जाता है ना तो वो हम कर सकते हैं। बेसिकली इसका यूज़ फोटो कोलाज बनाने के लिए होता है, तो यानी आपस के अंदर एक दूसरे में फोटोज़ अटैच हुई दिखें, अलग फील ना होगी कि ये फोटो अलग है। ठीक है, उसके बाद इसको 3D में हम दे सकते हैं, और 3D इफेक्ट के अंदर इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस करके देखना, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद ये तीन तो आपके कंप्लीट हो गए हैं, शेप फिल, शेप आउटलाइन और शेप इफेक्ट, साथ में ये भी कंप्लीट हो गए। उसके बाद अगर इसके साइज़ को छोटा बड़ा करना है तो ये इसके नोड हैं, ये जो चारों तरफ दिख रहे हैं ना डॉट, ये नोड हैं, इनको पकड़ के आप इसकी साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हो। अगर कॉर्नर से पकड़ के खींचेंगे तो सारा एक साथ छोटा बड़ा होगा। ठीक है, मैं इसका रिफ्लेक्शन हटा देता हूँ, आगे काम करेंगे इस पे। अभी नेक्स्ट ये है, इसके ऊपर हमारे को टेक्स्ट लिखना है, तो राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट करेंगे, ये मैंने लिख दिया है, इसको बड़ा कर देते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट फील्ड पे जाएंगे और कोई सा भी कलर हम चूज कर लेंगे। उसके बाद टेक्स्ट आउटलाइन, यानी ये जो टेक्स्ट लिखा है इसकी आउटलाइन, जैसे हमने इसको बॉर्डर लगाई थी वैसे ही इस टेक्स्ट की आउटलाइन हम लगाएंगे, वो यहाँ से टेक्स्ट आउटलाइन, तो कोई भी चूज़ कर लीजिए, ये इस टाइप से शो करेगा, थोड़ा दिख नहीं रहा है, दूसरा कलर लेते हैं, अभी थोड़ा ठीक है।
ठीक है ना। ये फॉर्मेट टैब में दोबारा गए, अभी टेक्स्ट इफेक्ट, यानी जो ये था आपका रेक्टेंगुलर, इसमें जो इफेक्ट दे सकते थे सेम टू सेम चीजें इसमें भी दे सकते हैं टेक्स्ट के अंदर, कुछ हटके हैं उससे थोड़ा सा। शेडो इसमें भी है, रिफ्लेक्शन भी है, ग्लो भी है, ये मैंने ग्लो दे दिया इसमें, और 3D इफेक्ट भी दे सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म, इस टाइप से हम वर्ड को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस टाइप से अपना कुछ भी चीज़ डिज़ाइन कर सकते हो। आप अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए कोरल ड्रा, फोटोशॉप वगैरह में कुछ करते रहते हो, तो उसके लिए आप MS वर्ड में भी ये चीज़ें बड़ी आसानी से कर सकते हो, बशर्ते आपने थोड़ा बहुत उसको अच्छे से सीखा हो। ठीक है, उसके बाद क्या है इसमें, फॉर्मेट, टेक्स्ट इफेक्ट, ये हो गया, ये इतनी सारी चीज़ें हैं, आप इसमें चेक करके देख लेना। ठीक है, ये वाला रहने देते हैं। अच्छा, उसके बाद टेक्स्ट की डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में करना है, इस डायरेक्शन में, जो पहले बताया था आपको इंसर्ट के अंदर था ना, पिछले वीडियो में बताया था, टेक्स्ट डायरेक्शन, ये टेक्स्ट ऊपर लाना है हमारे को, सेंटर में लाना है या बॉटम में लाना है, इसके साथ हम लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं, हाइपरलिंक। ठीक है, अभी इसकी जो पोजीशन है वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट, उसके बाद पोजीशन, इसमें ये इस साइड में चला गया, ये सेंटर में आ जाएगा, ये राइट में हो गया, ये नीचे पेज के अंदर, ये पेज के हिसाब से अपनी सेटिंग कर लेता है। ठीक है, इसको आप मैन्युअली भी उठा के कहीं रख सकते हो जहाँ पे आपको चाहिए। उसके बाद सेम चीज़ें रैप टेक्स्ट में हैं, लेकिन इसमें पोजीशन आपको खुद को मैन्युअली देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे MS वर्ड के अंदर कोई भी चीज़, पैराग्राफ या तो टाइप करो या फिर लिख दो, ये लिखने पे कोई भी रैंडम पैराग्राफ आपके पास आ जाता है। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और ये अभी कैसे हो गया, यानी ये आपको चाहिए हमारे को पहला जो पैराग्राफ है उसके सेंटर में आए, तो ऐसे आ जाएगा, राइट में आए तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, और इसको एडजस्ट करने के लिए मैं कंट्रोल जे कर देता हूँ, यानी जस्टिफाई हो जाएगा, थोड़ा ठीक दिख जाएगा एक लाइन में। ठीक है, आप ऐसे अपने प्रोजेक्ट पर के काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया, उसके बाद हमारे को लेफ्ट में चाहिए ये फर्स्ट में, स्टार्टिंग में, और यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट होना चाहिए, तो आप जहाँ भी इसको उठा के रखोगे वो आपका हो जाएगा। छोटा बड़ा साइज करना है तो आप उसी हिसाब से इसकी नोड को पकड़ के ऊपर या नीचे लेफ्ट राइट कर सकते हो। हो गया यहाँ तक, ठीक है, अभी यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर से टेक्स्ट आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जहाँ भी ले जा रहे हैं ये लेफ्ट राइट कर दे रहा है टेक्स्ट को ना, इसके ऊपर से आना चाहिए, यानी इमेज पीछे चली जाएगी, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, रैप टेक्स्ट, इसका काम यहाँ है। ठीक है, इन लाइन विद टेक्स्ट आ जाएगा, ये थ्रो हो जाएगा, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे इसको, तो ये टेक्स्ट भी इसके ऊपर से लिखा हुआ आ रहा है, जैसे आप देख रहे होंगे ये कर्सर मूव कर रहा है ना, ये ऊपर से ही है इसके, मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, फिर दोबारा फॉर्मेट में जाएंगे, उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये दोनों आपको ये मिलते जुलते ही हैं,
आप करके देख लेना इसको, अलाइन अलाइन लेफ्ट, ये लेफ्ट के अंदर अलाइन हो गया है। उसके बाद इसको सेंटर अलाइन करना है, राइट में करना है, मिडिल के अंदर करना है, ये अपने हिसाब से अलाइन कर दे रहे हैं। रोटेट 90 डिग्री, कितना भी जो भी है वर्टिकल हॉरिजेंटल आप उसको कर सकते हो, ठीक है। इसकी हाइट अगर आप नोड से एडजस्ट नहीं करना चाहते तो हाइट के लिए आप यहाँ से भी इसको छोटा या बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये इधर वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है, छोड़ के वर्ड स्टाइल को, ये आपको पहले बता भी दिया था, ठीक है। इसमें वर्ड स्टाइल हैं बस, ये 3D हो जाते हैं, वो आप उससे भी कर सकते हो, इससे 3D में, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स तो ड्रा करने का ही है, ये पूरी पूरी शेप है, इसमें से आप कोई भी यहाँ पे चूज करके रख सकते हो। ये अभी क्यों नहीं आ रहा है, ये जो वर्ड पीछे छुपे हुए हैं ना इसके, इसको क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट और ये टाइट कर देंगे, ठीक है। तो ये एडजस्ट हो गया, इसको कलर करना है, ये कलर हो गया इसका, ठीक है। उसके बाद मेरे को ये लगता है ये शेप मैंने गलत बना दी, मेरे को इसी में एडिट करना है, ये कहीं जाने भी नहीं चाहिए, इसी को तोड़ मोड़ के और ये चेंज हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा, एडिट शेप, चेंज शेप, और ये शेप कर दूँगा, तो ये आपकी क्रिएट होगी सेम चीज़ सेम जगह पे, ठीक है। अब इसको आप छोटा बड़ा यहाँ से जितना मर्जी जो करना चाहो वो कर सकते हो, इसके एरो को भी छोटे बड़े आप कर पाओगे, ठीक है। सेम इस शेप को भी हम एडिट शेप में जाके चेंज शेप करके और कोई सी भी शेप बना सकते हैं, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अभी तक हमने इंसर्ट के अंदर और शेप के बारे में पूरा समझ लिया है, अभी हम करते हैं प्रैक्टिस, यानी ये एक मैथ का डायग्राम है, इसके जैसा डायग्राम हमारे को क्रिएट करना है, तो शुरू करते हैं। पहले हम लेंगे ऑल, एक बना दिया और इसको हमने कर दिया बिल्कुल नो फिल और शेप कर दी इसकी ब्लैक, और वेट के अंदर इसको थोड़ा सा हल्का कर दिया, ठीक है। सेम टू सेम कंट्रोल प्रेस करके और सेलेक्ट करना है, एक दो, इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे लाना है, ठीक है, और फिर दो यहाँ पे लाने हैं और एक लाना है नीचे, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम हो गया, उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर लिखना है एक्स वाई जेड, तो इस पर क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ये ब्रैकेट लगाएंगे, लिखेंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड और ब्रैकेट क्लोज। ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, बाई डिफॉल्ट वाइट में आता है, ठीक है। तो आप कंट्रोल ए करके और यहाँ से आप कलर इसका चूज कर सकते हो, ठीक है। ये ब्रैकेट दूसरी लग गई है, कोई बात नहीं, वही ब्रैकेट लगाते हैं जो इसमें दे रखी है, ठीक है। सेम चीज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको राइट क्लिक करूँगा, एडिट टेक्स्ट करूँगा और पेस्ट कर दूँगा, एक्स वाई है इसमें, जेड नहीं है, तो जेड को हम काट देंगे। ये सेम चीज़ एड टेक्स्ट और पेस्ट, एक्स
इसमें क्या है, थीटा। थीटा तो ढूंढना पड़ेगा, इंसर्ट में सिंबल, और थीटा कहाँ है, यहाँ से आप थीटा को चूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यही ले लेता हूँ, आप इसको चूज कर लेना। ठीक है, इश्यू क्यों नहीं हो रहा है, फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट फिल कर दे रहा हूँ मैं इसको ब्लैक। ठीक है, और सेम एक्स वाई इसमें लिखना है, राइट क्लिक, ऐड टेक्स्ट और पेस्ट, इसमें लिखना है वाई जेड। ठीक है, और इसमें लिखना है जेड, ये आपका जेड हो गया, यहाँ पर आ जाएगा वाई, ये सिंगल वाई हो गया। अच्छा, हो गया पूरा। उसके बाद बचते हैं हमारे एरो, इंसर्ट में शेप और वन साइड के एरो हैं, तो आप ये देखो, ये लाइन है, ये एरो, ये वन साइड का है, तो ये वन साइड वाला एरो ले लेंगे और यहाँ से हम इसको ऐसे कर देंगे और इसकी कलर कर देंगे ब्लैक। ठीक है, और सेम चीज़ को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके और इसका मुंह घुमा देंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद सेम चीज़ कॉपी करेंगे ऐसे रख देंगे। ठीक है ना, बड़ा आसान है, कुछ नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी, लेकिन खुद से करके देखना पड़ेगा एक बार, कंट्रोल प्रेस करके और माउस से कॉपी कर लो। उसके बाद इस थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करवाना है इनको और चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएगी, आपका डायग्राम भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये तकरीबन तकरीबन रेडी हो चुका है। ये सेम चीज़ यहाँ से यहाँ आएगी, ये सेम चीज़ यहाँ पे आ गई है। उसके बाद इसको कॉपी करेंगे और इधर घुमा देंगे। ठीक है, अभी कौन सा एरर बच गया, ये बच गया, इसको क्लिक करेंगे और इधर घुमा देंगे। ठीक है, एक और बच गया, ये दैट्स ऑल, ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो इतना ही आसान है वर्ड के अंदर शेप में काम करना। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, काफ़ी समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई परेशानी हो रही है शेप से रिलेटेड या एमएस वर्ड से रिलेटेड, किसी भी टाइप की क्यूरी हो, तो मैं आपको पर्सनल मदद करने के लिए भी तैयार हूँ। आप कमेंट करके बताना कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, इस हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये फिजिक्स का डायग्राम है, ऐसा डायग्राम क्रिएट करके और कमेंट में बताना। ठीक है, और एक जो सबसे ज़रूरी काम, सब्सक्राइब करने वाला, वो तो आप कर ही सकते हो, बिल्कुल फ्री है सब्सक्रिप्शन, तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने टॉपिक का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। इसी टाइप की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल का नाम है टेक्नोलॉजी एडिक्टिव। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।